टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट जिनके मरे हुए आज कितने दिन बीत चुके हैं, इतने दिन बीतने के बाद भी असली कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हालांकि इनसे जुड़े बहुत सारे लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनाली फोगाट के दो लोग करीबी थे जिनमें नाम है सुधीर संगवान और सुखविंदर का। इस हत्या से जुड़े इनका भी नाम सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने इनको 27 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया था। हालांकि सोनाली फोगाट के इस मौत से जुड़े भाजपा के कई सारे नेताओं ने महापंचायत का आयोजन किया और उस पंचायत में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उन लोगों का कहना है कि 23 तारीख तक सरकार को CBI जांच करने का आदेश देना होगा, क्योंकि गाइस ये जो हमला हुआ है, मतलब कि सोनाली फोगाट के ऊपर जो हमला हुआ, उनका मौत हो गया, गोवा में मौत हुआ था, तो वहां का प्रशासन इस केस को हैंडल कर रहा है। लेकिन इन प्रतिनिधियों का कहना है कि 23 तारीख तक सरकार को CBI जांच का आदेश देना होगा, नहीं तो 24 तारीख से हम लोग एक प्रदर्शन देंगे, सोनाली फोगाट के मौत को लेकर इस पे धरना देंगे। सोनाली के इस हत्या मामले में कई सारे लोगों का नाम सामने आया है जिन्हें पुलिस धीरे धीरे गिरफ्तार कर रही है। हालांकि सोनाली की बेटी यशोधरा, उन पर भी काफी ज्यादा खतरा है, जिसको लेकर सोनाली की बेटी यशोधरा की सुरक्षा के लिए 2 महिला पुलिस कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया है। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के मौत के असली कारण का अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर हमलावरों ने सोनाली फोगाट की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी, आखिर क्या ऐसा कारण रहा, जिसके बाद से सोनाली फोगाट के परिवार का कहना है इस केस को CBI को हैंडल करना चाहिए, जिसके बाद CBI इसको जाँच करनी चाहिए। इनके भाई यानी कि सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका का कहना है कि CBI जाँच को लेकर रविवार को जाट धर्मशाला में सर्व जाति सर्व खाप महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उससे पूरे परिवार को मंजूरी मिलेगी। मतलब इनका कहना है कि उस फैसले में ये लोग CBI जांच का आदेश देने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पर आपका क्या ख्याल है, अपनी राय मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताइए। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।